नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy Tab S8 Ultra versus Apple iPad Air 2020 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोनों टैब के डायमेंशन की। दोनों टैब की लेंथ की बात करें तो Galaxy Tab S8 Ultra में 12.85 इंच जबकि Air 2020 में 9.75 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Galaxy Tab S8 Ultra से कम है। विड्थ की बात करें तो Galaxy Tab S8 Ultra में 8.21 इंच जबकि Air 2020 में 7.03 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Galaxy Tab S8 Ultra से कम है। बात करें थिकनेस की तो Galaxy Tab S8 Ultra में 0.22 इंच जबकि Air 2020 में 0.24 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Galaxy Tab S8 Ultra से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Galaxy Tab S8 Ultra में 726 ग्राम्स जबकि Air 2020 में 458 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Galaxy Tab S8 Ultra में Super AMOLED जबकि Air 2020 में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Galaxy Tab S8 Ultra में 14.6 इंचेस जबकि Air 2020 में 10.9 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Galaxy Tab S8 Ultra में 1848x2960 और Air 2020 में 1640x2360 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Galaxy Tab S8 Ultra में 90.46% जबकि Air 2020 में 81.07% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Galaxy Tab S8 Ultra में 239 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Air 2020 में 264 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब बात करते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स की, जो कि टैब का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Galaxy Tab S8 Ultra में दो कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। और Air 2020 की बात करें तो इसमें एक कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Galaxy Tab S8 Ultra में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Air 2020 की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Galaxy Tab S8 Ultra में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Air 2020 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो टैब में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Galaxy Tab S8 Ultra में Adreno 730 जबकि Air 2020 में Apple GPU 4-Core Graphics मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Galaxy Tab S8 Ultra में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 और Air 2020 में Apple Bionic मिलता है। बात करें RAM की तो Galaxy Tab S8 Ultra में 12 GB की RAM मिलती है, जबकि Air 2020 में दो वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4 GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Galaxy Tab S8 Ultra में 256 GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Air 2020 में दो वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64 GB 256 GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Galaxy Tab S8 Ultra में अप टू 1 TB जबकि Air 2020 में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Galaxy Tab S8 Ultra में Android V12 जबकि Air 2020 में iPadOS V14 देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Galaxy Tab S8 Ultra में एक कलर्स जबकि Air 2020 में 5 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Galaxy Tab S8 Ultra में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जो कि 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 119,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Air 2020 की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 50,900 रुपीस
4 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 61,900 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो सैमसंग गैलेक्सी टैब S8 अल्ट्रा में 7 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें एप्पल iPad Air 2020 की तो उसमें 2 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों टैब सेम ही है। मेन कैमरा में गैलेक्सी टैब S8 अल्ट्रा आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों टैब सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों टैब सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे टैब को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर टैब की बात करें तो उसमें एप्पल iPad 10.2 2021 वाईफाई है, दूसरा सैमसंग गैलेक्सी टैब A8 2021 एल्ट है, तीसरा सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 FE वाईफाई है और लास्ट कॉम्पिटिटर टैब की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 एल्ट है। और ये सारे टैब की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।